महेश भैलनसरी और आप देख रहे हैं हमारा यूपी लाइव 100 न्यूज। यूपी लाइव 100 न्यूज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। देश भर के हर छोटी बड़ी खबरों के साथ बने रहिए सिर्फ यूपी लाइव 100 न्यूज पर। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। दबंग ग्राम प्रधान ने रास्ते में खड़ी की बाउंड्री, कई ग्रामीणों के दरवाजे हुए बंद, जिलाधिकारी से लगाई न्याय की गुहार। बांदा के कलेक्टर परिसर में मटोंद थाना अंतर्गत दुरेटी गांव के बासिंदा ने जिलाधिकारी से गुहार लगाई कि हमारे यहां के दबंग ग्राम प्रधान ने गुंडाई के दम पर हमारे दरवाजे के सामने बाउंड्री खड़ी कर दी, जिससे आने जाने का रास्ता बंद हो गया। हमारे यहाँ निकलने की यही एक रास्ता है, फिर भी ग्राम प्रधान दीवार खड़ी कर दी। हम इतने गरीब है कि दूसरे मकान भी नहीं बनवा सकते। बाइट ग्रामीण संतोष बाइट रामदीन बांदा से अनुराग तिवारी की रिपोर्ट। ग्रामीण क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमारी पुस्तैनी जमीन है, पुरानी जमीन है, आज से 50 साल पुरानी जमीन है। उसमें बाबा ने हमारे कुछ विसुआ दान में दे दी थी स्कूल के लिए कि गांव के बच्चे पढ़ेंगे। उसके पीछे जो जमीन है वो ग्राम सभा में थोड़ी सी करवा ली थी कि अपने नाती या लड़कों के लिए हो जाएगी। अब उसमें प्रधान बाउंड्री बनवाना चाहता है और हम सब लोगों के 5 लोगों के दरवाजे आने जाने के कोई रास्ता नहीं, ना खलिहान डालने के लिए कहीं है और ना ही वहाँ पे कुछ हम कर सकते हैं। कोई रास्ता नहीं, ना निकलने की रास्ता है और ना आने जाने की रास्ता है। विशाल कन्हैया भोजन व विशाल भंडारे में लोगों ने चखा प्रसाद। बांदा आपको बता दें कि पूरा मामला शहर के अंदर ग्राम पंचायत नवी बुजुर्ग गांव की 12वां स्थानीय विशाल कन्हैया भोजन व विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के कई गांव चैतरा जमालपुर पिपरिदा लमा करिया लुकतरा पचनेही मावी आदि गाँव के लोग भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। देवी दास महाराज ने बताया कि हजारों की संख्या में आसपास के गणों ने भंडारे में आकर प्रसाद चखा। आयोजक श्री वसुदेव नंदन महाराज देवीदास महाराज श्री सुखराज यादव शिव कुमार बिंदा इंद्रजीत वर्मा महेश वर्मा राजा भैया भोला वर्मा रुद्र विलास बच्ची राम रोहित बच्चा सिंह आदि कार्यकर्ताओं ने लोगों ने प्रसाद वितरण किया। बाइट देवीदास गिरी महाराज बाइट शिव कुमार प्रजापति ग्रामीण अनुराग तिवारी की रिपोर्ट। किस तरह के कार्यक्रम चला जा रहा है यहाँ पर? भंडारे का कार्यक्रम चल रहा है। कितने दिवस से कार्यक्रम है? कहाँ कहाँ के लोग इसमें आ रहे हैं? कितने बजे से कितने बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा? रात 10 बजे तक। और यहाँ पर कन्याएं कितनी आकर के खा चुकी हैं? जी किस तरह कार्यक्रम चलाया जा रहा है? ये सभी के सहयोग का भंडारा है, इससे सभी आसपास के गांव के सभी लोग आ रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं। यहाँ कोई प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, सब कार्यकर्ता अपना अपना कार्य सुचारू रूप से कर रहे हैं। अभी तक कितने लोग खा गए हैं भंडारा? लगभग 300-400 लोग खा गए और भी लगातार 300-400। ये कितने बजे से कितने बजे तक चलेगा? जब तक आदमी आता रहेगा तब तक लगातार भंडारा चलता रहेगा। खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए।